हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है, बिकॉज कि आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने ऑक्टापैड के साउंड को कैसे अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों के पास 20 पैड है, 20X पैड है, 30 पैड है, या फिर कोई आप सैम्पलर यूज करते हैं, चाहे आप कोई सा भी ऑक्टापैड यूज करते हैं, मैटर नहीं करता। सेम ट्रिक के साथ आप सारे ऑक्टापैड के साउंड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, ज्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और ऑक्टोपैड के लेसन अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लर्निंग वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं ज्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधा कम टू पॉइंट आते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कौन कौन से कनेक्टर, कौन कौन सी यू नो कि बेसिक एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं अच्छी क्वालिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक ऑक्टापैड होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है, XSG। उसके बाद एक आपको एक लैपटॉप की नीड है, ठीक है, लैपटॉप भी कोई भी हो चलेगा। और उसके बाद आपको जो कनेक्टर, मेन कनेक्टर होता है, वो आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्स टू मोनो हमारे पास एक केबल है, ठीक है, ऑक्स टू मोनो, ये हमारा मोनो जैक होता है और ये ऑक्स जैक होता है। ठीक है, तो मोनो टू ऑक्स केबल से बोलते हैं। ये आपको अपने नियर बाई शॉप स्टोर से मिल जाएगी, जो भी मतलब कि इस टाइप की मतलब केबल्स सेल करता है, वहां से आप जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे परचेज कर लीजिए। अगर आप शॉप से इसे परचेज करते हैं, अपने नियर बाई शॉप से, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि वहां पे आप इसे DJ वाली केबल के नाम से बोले, तो मे बी आपके शॉपकीपर से जल्दी से लाइट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसे DJ वाली केबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। मोनोटो ऑक्स अगर राइट करेंगे किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट के ऊपर, तो वहां से आपको ये केबल मिल जाएगी, आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे दो, इसकी दो मतलब ये केबल परचेस कर लें, क्वांटिटी दो रखें अपने पास। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फर्स्ट केबल हुआ हमारा मोनो टू ऑक्स। अभी बात करते हैं सेकंड केबल की। सेकंड केबल है हमारे पास ऑक्स टू ऑक्स, जो कि आप लोगों को गाड़ी में, कार वगैरह में यूज करने के लिए आप लोगों को मिलती है। इसको मैंने मोनो टू ऑक्स ही बनाया हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। आप दो केबल ऐसा रखें अपने पास तो ज्यादा बेटर होता है। अगर ऐसे दो केबल नहीं मिल पाती है इनकेस, तो आप यहाँ पे एक फीमेल मोनो फीमेल जैक होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्स टू ऑक्स केबल को यूज कर सकते हैं, ताकि ये यहाँ पे मोनो को काम करे, मोनो टू ऑक्स हो जाए। ठीक है, वापस आप इसे एज ए कनेक्टर कनेक्ट करके भी कर सकते हैं यूज। ठीक है, तो सेकंड केबल हम चाहे तो ऑक्स टू ऑक्स भी बोल सकते हैं, मोनो टू ऑक्स भी बोल सकते हैं, इसे फीमेल जैक बोलते हैं। ठीक है, फीमेल पिन 3.5 mm। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ये भी। ऑलराइट, सो अभी इसके बाद क्या है, एक हमारे पास, अगर आप चाहते हैं कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो साथ के साथ सुन भी पाऊं, क्योंकि मस्त होता है हमारे लिए कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एटलीस्ट हमारे कानों में आए कि हम प्ले क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर होता है हमारे पास, जिसमें हम, ये ऑक्स कनेक्टर है जिसमें हम दो ईयरफोन्स एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये मेनली आपका किस काम आता है, देखिए, जब आप जो मोनो टू ऑक्स केबल होता है, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने राइट या लेफ्ट मोनो, किसी एक भी मोनो में, और साथ में इसे हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे हम ये कनेक्ट करते हैं और ये वाला जैक डालते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे, वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सारा कुछ सेटअप करके कैसे करते हैं, पहले आप जैक देख लीजिए कौन कौन से में मैंडेटरी होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और एक हमें हेडफोन की जरूरत होती है, आप लोगों को पता है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ सोनी के, एक्स्ट्रा बेस यूज करता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन तो मेरे लिए यही है, बाकी आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिए जो भी से लगता है। ठीक है, तो इसका एक केबल हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इसका साउंड होता क्या है कि अभी रिकॉर्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाता है ये, और हमें साथ साथ सुनने के लिए भी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। ऑलराइट, सो अभी ये करना क्या है, इसको हम कैसे सेटअप करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। अभी देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मिसिंग है अभी,
वो आप लोगों को बता देता हूं। ये सारा कुछ सेटअप कब काम करेगा, जब आपके लैपटॉप में दो जैक होते हैं, ठीक है, दो जैक इन द सेंस कि एक होता है हेडफोन के लिए, एक होता है माइक्रोफोन के लिए। अगर आपके लैपटॉप में दो जैक हैं तो ये वाला सेटअप जो मैंने आप लोगों को बताया ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। अगर आपके लैपटॉप में दो जैक नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नेक्स्ट जो यू नो कि साउंड कार्ड आपको यूज करना है वो कौन सा है, तो चलिए उस बारे में जान लेते हैं। देखिए ये होता है हमारा 7.1 चैनल साउंड कार्ड। ऑलराइट, ये आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आप परचेज कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसका बेसिकली यूज क्या होता है, अगर आपके लैपटॉप में ज्यादातर केसेस में होता है क्या है कि लैपटॉप में दो यू नो कि आउटपुट नहीं होते, आउटपुट इन द सेंस कि जहां पे हम माइक्रोफोन और हेडफोन कनेक्ट कर पाए, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम होता है कि आपको एक मिलता है हेडफोन के लिए ओनली। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपके लैपटॉप में दो जैक नहीं है तो आपको ये वाला एक 7.1 चैनल साउंड कार्ड आपको बाय कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको पिक्सिस दो प्लगइन मिल जाते हैं, जिसमें आप एक इधर होता है जो राइट लेफ्ट कॉर्नर पे होता है लेफ्ट साइड में, ये होता है हमारा माइक्रोफोन के लिए रिकॉर्डिंग्स के पर्पस के लिए, और ये हमारा राइट वाला जो होता है वो होता है हेडफोन के लिए। तो यहाँ पे आप इसमें इसका यूज करते हैं हम, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला केबल, ये वाला कनेक्टर इसका यूज करते हैं इसमें, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने यूएसबी पोर्ट में लैपटॉप के अंदर, ठीक है। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करने के लिए जो हमें चाहिए होता है वो एक जैक ऑडियो के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, जो आप अपने लैपटॉप में यूज करें तो ज्यादा बेटर होता है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं जेट ऑडियो भी यूज करता हूँ कभी कभार, समटाइम्स जेट ऑडियो यूज करता हूँ, अदरवाइज ज्यादातर जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो सिंपल रिकॉर्डर के साथ होती है, जो बाय डिफॉल्ट लैपटॉप के अंदर रिकॉर्डर होता है, सिंपल ऐसे फोन के अंदर रिकॉर्डर होता है साउंड रिकॉर्डर, वही मैं यूज करता हूँ रिकॉर्डिंग के पर्पज से, ठीक है। उससे आप लोगों को क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और कोई भी ऐसा इफेक्ट लगता नहीं कि जैसे ये अच्छी क्वालिटी का प्ले नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अभी आप जेट ऑडियो यूज ना करें, ज्यादा बेटर है। बाकी आप उसे भी यूज करें तो भी चल जाएगा, बाकी मैं तो जो यूज करता हूँ वो सिंपल बाय डिफॉल्ट जो साउंड रिकॉर्डिंग आती है लैपटॉप के अंदर वो यूज करता हूँ, ठीक है। जेट ऑडियो भी आप कर सकते हैं बाकी, ठीक है, सेम चीज होती दोनों में। तो ये थे आज ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ कनेक्टर्स जो आपको बताने थे मुझे, जिसे आप बाय कर लीजिए अगर आप लोगों के पास नहीं है अवेलेबल। मेन है हमारे पास, अगर लैपटॉप में दो जैक अवेलेबल नहीं है तो आपके पास 7.1 साउंड कार्ड आप इसे परचेज कर लीजिए किसी साइट से, नंबर वन पे। नंबर टू पे आपका कनेक्टर है, ये आपके काम आता है कि लाइव जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको सुनाने की बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ता है आपको, कि आप क्या प्ले कर रहे हैं सब कुछ सुनना बहुत जरूरी है। उसको सुनने के लिए आपको एक हेडफोन की जरूरत होती है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे चीज, ठीक है। उसको सुनने के लिए हेडफोन की जरूरत होती है, एक मोनो टू ऑक्स केबल की जरूरत होती है जिससे आप रिकॉर्ड करेंगे सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद हमें एक वैसे तो दो जरूरत होती है इसके लिए, मतलब कि बेसिकली हमें दो की जरूरत होती है मोनो टू ऑक्स, बट अगर आपके पास नहीं है तो एक आप ऑक्स टू ऑक्स केबल भी परचेज कर सकते हैं, और उसमें आप एक फीमेल कनेक्टर भी मतलब यूज कर सकते हैं, जो कि मोनो फीमेल जैक बोलते हैं जैसे हम, ठीक है। तो इसे हम ऐसे यहाँ पे प्लग करके अगेन से इसे मोनो टू ऑक्स का ही काम लेते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको आज के जितने भी मैंने कनेक्टर्स बताए हैं वो समझ में होंगे, और अगर किसी भी कनेक्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई है किसी भी टाइप की तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, ठीक है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, या इंस्टा पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं वहां मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं सारा कुछ, आज की वीडियो में सेटअप, नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू रिकॉर्ड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो डॉक्टर पायर की रिकॉर्डिंग अच्छे से करना चाहता है, ठीक है। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आप लोगों को लर्निंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। जय हिंद।